डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास का जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका ये पार्ट एम है। और इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी करता है ये चैप्टर स्टूडेंट लोग को, तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए तो आपका ये परेशानी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि आपको कॉम्बिनेशन बनाने से पहले ग्रामर के बेसिक रूल्स आने चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रामर के हर चैप्टर से थोड़े थोड़े रूल का प्रयोग होता है। दूसरी बात, अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के एक बेसिक कंसेप्ट होता है, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में बताया है। तो आप YouTube पे सर्च करके या फिर प्लेलिस्ट से विजिट करके आप ये तीनों पार्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही बेंट होम, ही टूक राम विद हिम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और इसको कंबाइन करने के लिए कहा गया है। तो जब भी आपका एग्जाम में कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आंसर होना चाहिए, समझ गए? ये आपको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाते समय करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह घर गया और अपने साथ राम को लिया, मतलब वह और राम दोनों घर गया, ठीक है, और ये पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो ये ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें गोज लिखा हुआ है, प्रेजेंट में बात नहीं होगा, और इसमें हैड होम लिख दिया जो कि पास्ट परफेक्ट की बात जैसा कुछ कर रहा है, तो हैड का बात ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में से कोई होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए टेकन राम लिख दिया, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ही बेंट होम विथ राम, वह राम के साथ घर गया। अगला क्वेश्चन है, द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड, मतलब जो सूरज था ना वो उगा और जो फॉग था वो फैल चुका, डिस्पर्स हो चुका। ये भी पास्ट में ही है तो इसका कॉम्बिनेशन भी पास्ट में ही होगा। तो ऑप्शन डी में देखिए हैज राइजन लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना, प्रेजेंट में आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों पास्ट में है। तो देखिए ऑप्शन ए को पहले देखते हैं, द सन रोज बट द फॉग डिस्पर्स्ड, कहता सूरज उगा लेकिन जो फॉग था ना वो डिस्पर्स हो चुका। तो बट का प्रयोग आप तब करते हैं जब दो अपोजिट मीनिंग वाला सेंटेंस बताना होता है, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, समझ गए? ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द सन रोज एज वेल एज द फॉग डिस्पर्स्ड, तो मतलब जो सूरज उगा और साथ साथ में फॉग डिस्पर्स हुआ। तो एज वेल एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम एक दूसरे से साथ मिलकर या फिर कहें तो एक दूसरे के सपोर्टिव में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सन रोज मतलब सूरज उगा इसीलिए जो फॉग था वो डिस्पर्स्ड हुआ, मतलब वो फैल गया। मैंने आपको एक रूल बताया था कि 100 के बाद आपका रिजल्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए, तो जैसे ही सूरज उगा तो उसका एक रिजल्ट निकला, वो था फॉग का डिस्पर्स हो जाना। तो ये देखिए 100 के बाद वाला क्लॉज में है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जो आपका गेस पेपर है ना उसे आप ज़रूर ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो, और इससे तैयारी करिए, आपका 90+ मार्क आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप इस गेस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से क्लिक करके अभी डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू सा द फार्मर, ही रैन अवे, रामू ने किसान को देखा और वह भागा। तो यहाँ पे सिंपली ये भी पास्ट में ही क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हैज सीन, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन ए बी और सी में देखिए,
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामू सा द फार्मर एंड रैन अवे, मतलब रामू ने किसान को देखा और भागा। तो यही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्यों गलत होगा? क्योंकि एंड के बाद दोबारा से ही लिख दिया। अब ये रामू के लिए तो ही आया है, बट एंड के बाद दोबारा से प्रोनाउन का प्रयोग करना यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है। कब ज़रूरी नहीं है? जब इस सब्जेक्ट का जो ये काम है ना, रामू का ही काम है, रामू ने किसान को देखा और रामू ही भागा, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है तो दोबारा से ही का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ गए? तो इसलिए भी गलत है। और तीसरा में बट लगा दिया, जो कि बट क्या करता है ना कि दो अपोजिट मीनिंग वाला को जोड़ता है, यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गब्बर इज अ मर्डरर, मतलब गब्बर है जो मर्डरर है, मर्डर करता है, और ये अबडक्टर भी है, मतलब ये अपहरण भी करता है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, गब्बर इज नॉट ओनली अ मर्डरर, मतलब गब्बर केवल मर्डर नहीं करता, मतलब गब्बर एक ना ना गब्बर क्या है इसका हिंदी हो जाएगा, गब्बर इज नॉट ओनली अ मर्डरर, मतलब ना केवल गब्बर एक मर्डरर है बट ऑल्सो एन अबडक्टर, बल्कि ये अपहरण करता भी है, अपहरण भी करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए गलत ये है क्योंकि यहाँ पे फिर से बट लगाया है, जबकि दोनों एक दूसरे को मतलब सब अपोजिट मीनिंग नहीं देते हैं। मर्डरर होना भी गलत काम है और अबडक्टर होना भी गलत काम है ना? तो इसे बट से जोड़कर नहीं बनाएंगे। अब दूसरी बात, ऑप्शन बी में एंड से जोड़कर बना सकते थे कि गब्बर एक मर्डरर है और अबडक्टर है, तो आप ऐसे बना सकते थे गब्बर इज अ मर्डरर एंड अबडक्टर, ठीक है? लेकिन दोबारा से ही नहीं लगाएंगे क्योंकि गब्बर के लिए ही आ रहा है, तो एक सेंटेंस में दो काम हो रहा है और उसको आप एंड से जोड़ रहे हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो दोबारा से इसके लिए प्रोनाउन ही नहीं लगाएंगे एंड के बाद, समझ गए? चलिए अगला है। हाँ, एक और ऑप्शन यहाँ पे था, गब्बर इज अ मर्डरर बिकॉज ही इज अबडक्टर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, अबडक्टर है इसलिए मर्डरर है, ऐसा नहीं, तो ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ पे है इट वाज संडे द सन डिड नॉट राइज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो संडे का दिन था, कोई याद कर रहा है और याद करके बोल रहा है कि इट वाज संडे, उस समय संडे का दिन था, द सन डिड नॉट राइज, और सूरज उस दिन नहीं उगा था, ठीक है? तो अब इसको कंबाइन करना है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है द सन डिडंट राइज ऑन संडे, मतलब संडे को सूरज नहीं उगा था, तो यही तो सिंपली यही हो सकता है ना, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन बी सी को भी देखते हैं, लिखा हुआ है द सन डिड नॉट राइज व्हेन वाज संडे, ये दूसरे सेंटेंस का रहा है कि जब संडे था ना तब सूरज नहीं उगा था, मतलब ये पता ना कौन संडे की बात कर रहा है, या हर संडे की बात कर रहा है कि जब जब संडे आया था तब तब सूरज नहीं उगा था, ऐसा बात नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ द सन डज नॉट, तो ये तो आपका टेंस चेंज हो गया, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल डैट डे, अब यहाँ पे कह रहा है कि राकेश स्कूल नहीं गया क्योंकि वो दिन वो बीमार था, ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक काउज है और उसका रिजल्ट निकल रहा है, मतलब कारण है स्कूल, देखिए स्कूल नहीं जाना ये क्या है रिजल्ट, और उसका कारण है कि वो बीमार था। तो मैंने आपको बताया था कि बिकाउज के बाद आप कारण वाला सेंटेंस लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन डी में रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल, रमेश स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था उस दिन, ही वाज इल डैट डे। तो यहाँ पे बिकाउज के बाद देखिए कारण वाला सेंटेंस है, तो बिकाउज के पहले रिजल्ट वाला सेंटेंस और बिकाउज के बाद कारण वाला सेंटेंस, सो के बाद रिजल्ट वाला सेंटेंस और सो के पहले कारण वाला सेंटेंस, ऐसे बिकाउज और सो से सेंटेंस को जोड़ना होता है, जो मैंने आपको रूल में बताया था। ऑप्शन ए गलत क्यों है? रमेश डिड नॉट गो टू स्कूल बट, फिर से ये बट क्यों ला रहा है? अपोजिट जब सेंस होता है तभी यूज करते हैं, और ये इसलिए गलत है, बट इज इल डैट दे, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये सारे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो गलत हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला है माई फादर इज अ डॉक्टर ही लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर होगा। माई फादर इज अ डॉक्टर एंड ही लिव्ड इन मुंबई। यहाँ पे कहता है कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मुंबई में रहते थे। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, एक प्रेजेंट में है और एक पास्ट में है, और दोनों को कंबाइन ऐसे किया है तो गलत है। आपका जो क्वेश्चन था वो दोनों प्रेजेंट में था ना, माई फादर इज अ डॉक्टर ही लिव्स इन मुंबई, ये था क्वेश्चन, तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन है माई फादर इज अ डॉक्टर हु लिव्स इन मुंबई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि इसमें हुम लगाया है, तो हुम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हुम का मतलब हो जाएगा जिसे, यहाँ पे जो का मीनिंग निकालना है, जो मुंबई में रहते हैं, तो हु लिव्स इन मुंबई होगा, ना कि हुम लिव्स इन मुंबई, समझ गए। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अर्नड अलॉट आई सेव्ड नथिंग। अब ये कहता है मैंने तो पैसे बहुत कमाए लेकिन मैंने बचाए कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट मीनिंग है ना। कहता है मैंने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन बचाकर कुछ नहीं रखा, एक दूसरे का अपोजिट सेंस है, तो ये बट से हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आई अर्नड अलॉट बट सेव्ड नथिंग, मैंने बहुत कमाया लेकिन कुछ नहीं बचाया। तो यही आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आई अर्नड अलॉट एंड सेव्ड समथिंग, मैंने कुछ बहुत कमाया और कुछ बचाया, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बोला था, तो ये आपका गलत होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आई अर्नड बट सेव्ड समथिंग, तो समथिंग की बात ही नहीं है, नथिंग था क्वेश्चन में, है ना, तो समथिंग कैसे बचा लिया, ये दोनों सेंस ही नहीं दे रहे हैं, इस वजह से गलत होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब। कहता है मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है ना, इसीलिए आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब, इसलिए मैं एक जॉब की तलाश करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको क्या करना है ना, इसको आपको कंबाइन करना है, तो ऑप्शन देखिए ए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब टू सपोर्ट माई फैमिली, मतलब यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब मतलब मैं एक जॉब को खोजना चाहता हूँ, टू सपोर्ट माई फैमिली अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, इन्फिनेटिव टू से ये कंबाइन किया हुआ है, जो कि मैं आपको रूल में बताया था, तो आप वो रूल जरूर जाकर देखें बेसिक वाला, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ऑप्शन बी गलत क्यों है, आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब एंड सपोर्ट माई फैमिली, मैं अब जॉब एक खोजना चाहता हूँ और सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ये भी बात सही है, बट इससे ज़्यादा आंसर सही है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू फाइंड अ जॉब सपोर्टेड माई फैमिली, तो ये तो गलत है, स्ट्रक्चर ही गलत है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी वर्क्स हार्ड सी वॉन्ट्स टू पास द टेस्ट। तो मैंने दो जो क्वेश्चन लिया है ना, वो इन्फिनेटिव से जोड़ने वाला लिया है, तो ये भी उसी रूल पे बनेगा, है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए देखते हैं। सी वर्क्स हार्ड सो सी पास्ट द टेस्ट, मतलब वह कठिन, मतलब वर्क्स हार्ड करेगी, है ना, सी वर्क्स हार्ड वह कठिन परिश्रम करती है, सो इसीलिए ही पास्ट द टेस्ट, कि वो टेस्ट पास कर गई, है ना, गलत बात है। यहाँ पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, जो गलत बात है, हमें आंसर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए दोनों का दोनों जो सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट में है, तो कंबाइन करने के बाद भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी वर्क्स हार्ड वह कठिन परिश्रम करती है टू पास द टेस्ट, कि वो टेस्ट को पास करे, समझ गए। तो ऑप्शन बी में भी पास्ट में दिया हुआ था वर्कड था ना, तो इस वजह से गलत हो गया, और ऑप्शन ए में भी दिया हुआ था पास्ट, इस वजह से गलत हो गया, तो यहाँ पे आंसर सही है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू इज टू स्मॉल ही कैन नॉट टच द वायर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है और मैं पिछले एग्जाम को अच्छे से समझ कर ही क्वेश्चन बनाता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोनू बहुत छोटा है और इसीलिए वह वायर को नहीं छू सकता, मतलब वायर थोड़ा ऊंचाई पर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से है, ये रिमूव टू का सेंटेंस है, आपको पता है। तो इसका जो सही कंबाइन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोनू इज सो स्मॉल, सोनू इतना छोटा है डैट ही कैन नॉट टच द वायर, कि वह वायर को छू नहीं सकता। तो आपको पता होगा, रिमूव टू आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी गलत क्यों होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में लगा दिया बाज, जो कि पास्ट को बताता है और हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट का है, तो बाज वाला नहीं होगा। और ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में लिख दिया सोनू इज वेरी स्मॉल, हाँ डैट ही कैन टच द वायर, तो वेरी स्मॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना, ऐसे सेंटेंस में सो स्मॉल होता है। तो ये गलत है आपका ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन वर्क्स हार्ड, रंजन कठिन परिश्रम करता है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, है ना। तो अभी मेरा प्रॉब्लम है, खांसी हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है, कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रंजन वर्क्स हार्ड, रंजन कठिन परिश्रम करता है, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन पास कर जाएगा। तो आपको मैंने एक टेंस में रूल बताया था, कंडीशनल वाला, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला, कि इफ वाला जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर मैं पटना जाऊंगा तो गोलघर देखूंगा, ऐसा वाला बताया था ना, तो उसी से बनेगा ये। कहता इफ रंजन वर्क्स हार्ड, अगर रंजन कठिन परिश्रम करेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो एक वो एग्जामिनेशन पास करेगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, समझ गए। ऑप्शन ए गलत क्यों है, क्योंकि ऑप्शन जो ए है ना उसमें सो वाले के बाद यहाँ पे पास्ट कर दिया, बिल के बाद कभी आता है भीतरी नहीं ना, तो इसका स्ट्रक्चर गलत है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रंजन वर्क्स हार्ड बिकाउज ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए, रंजन कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वो एग्जामिनेशन पास कर जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, जबकि बिकाउज वाला जो जो होता है ना उसके बाद हमें होना चाहिए कारण, कारण और जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसको हम बिकाउज से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड अराइव्ड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब इस रूल पे पूछा हुआ है, तो ध्यान से सुने। आपको मैंने टेंस में इस तरह के 6 से 8 स्ट्रक्चर बताए थे, बिफोर आफ्टर और वेन वाला बताया था ना, मैंने बताया था कि बिफोर और वेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट और जो दूसरा क्लॉज बचेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर ऐसे बताया था कि पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर या वेन, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, या और ऐसे बताया था कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तो ये आपको जो बचपन में हमने पढ़ा था ना, कौन सा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ऐसा पढ़ा था ना, उसी स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वाला स्ट्रक्चर यही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कहता बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन, हम लोगों को स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समझ गए। बिफोर के बाद, याद रखिएगा, बिफोर के बाद हमेशा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है, ठीक है, और वेन के बाद भी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है, ये याद रखिएगा। और तीसरा याद रखना है कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना है, मतलब हैड प्लस भी थ्री वाला। तो आप ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं जो मैंने आपको टेंस के वीडियो में बताया है। अब ऑप्शन बी क्यों गलत होगा,
ऑप्शन बी गलत ये है, क्योंकि मैंने बताया था आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट रखना, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट है तो गलत हो गए। भेन के बाद बताया था पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट है तो गलत। मतलब रूल्स जो है ना उसे आपको याद रखनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। अभी यहाँ पे देखिए, मोहन गरीब है और कह रहा है कि वह ईमानदार है और तेज है, तो यहाँ पे अपोजिट क्वालिटी है ना, गरीब है बेचारा लेकिन ईमानदार है और तेज है, तो ये बट से बनेगा, बट से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। मोहन गरीब है लेकिन ईमानदार और तेज है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन बी गलत क्यों है? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मोहन इज पुअर ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो एंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब समान तरह की क्वालिटी होती है, तो यहाँ पे तो दो तो समान तरह की है, एक अलग है, तो आप तीनों को एंड से नहीं जोड़ोगे ऐसे कॉमा से, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मोहन इज पुअर ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, फिर से वही बात कर दिया, तो ऑप्शन सी भी गलत। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सही है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्कान इज माय फ्रेंड, सी वर्क्स इन दिस कंपनी। मुस्कान मेरी दोस्त है और वह इस कंपनी में काम करती है, तो प्रेजेंट में है ना, तो कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है मुस्कान इज माई फ्रेंड भीच वर्क्स इन दिस कंपनी, तो भीच नहीं होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि हु का प्रयोग हम मानव जाति के लिए करते हैं, वो कॉम्बिनेशन वाली कंसेप्ट वाली वीडियो में, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्कान इज माई फ्रेंड हु वर्क्स इन दिस कंपनी। मुस्कान मेरी दोस्त है जो इस कंपनी में काम करती है, हुम भी नहीं होगा, क्योंकि हुम तो करते हैं मानव के लिए, लेकिन हुम करते हैं ऑब्जेक्ट के सेंस में, और ऐसे केसेज में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन डज नॉट वर्क, यहाँ पे वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा, ठीक है, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। सोहन डज नॉट वर्क इन दिस कंपनी, माई ब्रदर ऑल्सो डज नॉट वर्क हेयर। कहता है सोहन इस कंपनी में काम नहीं करता और मेरा भाई भी यहाँ काम नहीं करता, तो इसको हम बनाएंगे नाइदर नॉर से, जो मैंने आपको बताया था, नाइदर सोहन नॉर माई ब्रदर डज नॉट वर्क इन दिस कंपनी, ना तो सोहन और ना मेरा भाई इस कंपनी में काम करता है। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है, नाइदर नॉर से बनाएंगे, क्योंकि दोनों काम नहीं कर रहा है, तो नाइदर से ही बनाएंगे, आइदर से तो बनाएंगे नहीं, और एक सेंटेंस दिया हुआ है आइदर से, तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी गलत क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नाइदर सोहन नॉर माई ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी, हाँ, तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गया, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलती नहीं, ऑप्शन ए आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाइदर नॉर भी लगाया हुआ है और डज नॉट भी लगाया हुआ है, जबकि नाइदर नॉर से निगेटिव का सेंस हो जाता है, तो दोबारा से डज नॉट नहीं लगाएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइदर सोहन नॉर माई ब्रदर वर्क्स इन दिस कंपनी, ना तो सोहन और ना मेरा भाई इस कंपनी में काम करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा ए नहीं बी होंगे। अगला क्वेश्चन है, ही इज द कल्प्रिट आई एम श्योर, तो मैंने आपको सॉरी वहाँ पे रूल पढ़ाया था आई एम श्योर वाला पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई एम श्योर डैट ही इज द कल्प्रिट, मैं निश्चित हूँ कि कल्प्रिट वह है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, बट और एज वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और वह थका हुआ है, थक गया, ठीक है, थका महसूस किया,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक काउज है और एक रिजल्ट है, ठीक है? तो कौन सा आंसर होगा? तो सो के बाद हम क्या लगाएंगे? सो के बाद हम रिजल्ट वाला सेंटेंस रखेंगे। तो उसने बहुत काम किया इस कारण से थक गया ना, तो रिजल्ट निकला थकना। तो सो के बाद कौन सा है? ऑप्शन बी है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया इसीलिए वह थका महसूस किया, ही फेल्ट टायर्ड। तो आंसर बी आपका सही है, समझ गए? अगला है, मोनू बाज द सन ऑफ सुरेश, ही बाज किल्ड बाई हर। तो मोनू सुरेश का बेटा है और वो उसके द्वारा मारा गया, ठीक है? सिंपल सी बात, पास्ट में है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनू, और कॉमा लगा कर लिखा गया द सन ऑफ सुरेश। इसका मतलब हुआ कि मोनू है जो सुरेश का सन है, बाज किल्ड बाई हर। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि एंड के बाद ही बाज लिख दिया, जबकि ही बाज दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ही आ रहा है मोनू के लिए, तो एंड के बाद दोबारा ही नहीं करेंगे, अभी बता रहा था कुछ देर पहले भी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी क्यों गलत होगा? क्योंकि ऑप्शन सी में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बिल्कुल उल्टा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, आई पुट ऑन माई बेस्ट क्लॉथ्स, तो कह रहा है कि मैं अपना सबसे बढ़िया वाला ड्रेस पहना, आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस हर, मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई पुट ऑन माई बेस्ट क्लॉथ्स टू इम्प्रेस हर, मैंने अपना बेस्ट वाला ड्रेस पहना क्योंकि मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता था। तो इसका हिंदी सिंपली ये होगा कि मैं अपना जो अच्छा वाला ड्रेस था उसे इम्प्रेस करने के लिए पहना, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि एंड के बाद दोबारा से आई नहीं लिखना है, जब ये सेम आई जब आ रहा है तो दोबारा से आई नहीं लिखना था, और बट वाला तो होगा नहीं, अपोजिट सेंस में होता है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल बीरबल प्रसाद सर को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप बेल गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।